हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है कि हमें किन किन चीज़ों का सेवन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है कि जो सीज़न चल रहा है कितना ख़तरनाक सीज़न है, तो हमें बहुत ही केयरफुल है कि क्या खाना है, क्या पीना है, इन सब चीज़ों का, छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। किस तरीके से रहना है, कहाँ जाना है, कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखनी है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमें पांच ऐसे क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए इस टाइम। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो पहला है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको ठंडा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है ना ही पीना है। जैसे कि आपको ठंडा पानी इस टाइम तो बिल्कुल भी ना पियो, ना ही आइसक्रीम खाओ। ऐसे जो भी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना लो, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस टाइम, और हमारे लिए खतरा भी है। तो जितना हो सके ठंडे चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। सेकेंड, आपको क्या करना है, जो आप मार्केट से सब्जी और फल लेके आते हो उसे तुरंत यूज़ बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, मानो कि आप सब्जी लेके आ रहे हो और उसे थोड़ी देर बाद उसे पकाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कम से कम जो आप सब्जी और फल लेके आ रहे हो उसे एक दिन के लिए बिल्कुल एक बंद कमरे में या कुछ ऐसे जगह जाके रख दो जहाँ बच्चे ना जाएं, आप लोगों का हाथ बिल्कुल भी ना लगे। तो कुछ ऐसे जगह पर जाके उस सब्जी और फल को रख दो, नेक्स्ट डे आप उसे यूज कर सकते हो। जब आप सब्जी यूज़ करोगे नेक्स्ट डे, तो आप उसे अच्छे से आपको धोना है, बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद ही आप उसे पकाइए और फिर खाइए। और ऐसे ही फल पे डिपेंड होता है, आप उसे कम से कम एक दिन के लिए छोड़ो, उसके बाद जब आप उसे खाओगे तो अच्छे से आपको धोना है, उसके बाद ही खाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाह बरत रहे हैं इस टाइम, वो लापरवाह आपके जान भी ले सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो भी हरी सब्जी लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, उसे अच्छे से धोकर उसके बाद ही खाएं। हो सके तो एक दिन रख दीजिए, उसके बाद ही खाइए। गाइज, अब आपको थर्ड क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन खाना मंगवा के खाना खा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि पिज़्ज़ा आ चुका है, बर्गर आ चुका है, या फूड बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचो, क्योंकि हमें नहीं पता, देखो गाइस, कि जहाँ से वो लेके आ रहे हैं उन्होंने कितने सेफ्टी से खाना बनाया है, नहीं बनाया है, क्या गारंटी है इसका, क्योंकि सीज़न ही ऐसा है। हो सके तो आप पिज़्ज़ा, बर्गर और जो फूड आप मंगा रहे हो बाहर से, बिल्कुल दूरी बना लो, घर का खाना खाओ भाई, दाल रोटी खा लो, लेकिन बाहर का बिल्कुल भी मत मंगाओ। आप सेफ़ रहोगे और दूसरों को भी सेफ़ रखोगे, क्योंकि बाहर का खाना मैं मानती हूँ कि आपका मन कर रहा होगा, जो भी है, या आपके पास टाइम नहीं है, जो दाल रोटी खा लो, चावल उबाल के खा लो, लेकिन बाहर का बिल्कुल मत खाओ, ऑर्डर करके बिल्कुल मत खाओ। ऑनलाइन खाने से बिल्कुल आपको बचना है इस टाइम। गाइस, आपको जो चौथा काम क्या करना है, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन का खाना रात में खाते हैं, रात का खाना दिन में खाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है इसे। बहुत सारे लोग आलस में क्या करते हैं, हाँ भाई खाना थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं, रात में भी काम चल जाएगा, चलो रात में थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं, सुबह नाश्ता का काम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल आपको बचना है। और बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, आलस में आटा मांडे के फ्रीज में रख लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं करना भाई। जितना खा रहे हो भले कम खाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना कि हम बाद में खा लेंगे। बासी खाने से आपको इस टाइम बचना है। जितना आप स्वस्थ रहोगे आप उतना सेफ रहोगे, इस बात को ध्यान रखो आप। गाइस, अब जो लास्ट का पांचवें नंबर का है, आपको क्या करना है, आधा पका खाना नहीं खाना है। क्या कह रहे हो, आधा पका खाना? हाँ, आधा पका खाना नहीं खाना है। मैं बताती हूँ कैसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूध का पैकेट लेके आते हैं, थोड़ा सा गर्म किया और पी गए, ऐसे नहीं करना। बहुत सारे लोग आमलेट बना रहे हैं उसे अच्छे से नहीं पकाते और खा जाते हैं, ये सब चीज़ों से। यानी कि जो चीज़ आप आधा पका मतलब कि पूरा आपको पकाना है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ही पकाते हैं और खा जाते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, दूध का उदाहरण दिया, आमलेट का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद ही देख लेना कि आप ऐसा क्या आधा पका खाना खा रहे हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेहत बनाने के लिए अंडा कच्चा पी जाते हैं। पहली बात तो बिल्कुल मत पियो, ऐसा मत करो, क्योंकि इस टाइम अगर सेहत ख़राब हो गई तो डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ख़तरनाक है। अभी समझ रहे हो ना इस चीज़ को, अभी इस टाइम हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। जितना हो सके खुद अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि जो अंडा है उसे आप कच्चा पी रहे हो सकता है उससे आपकी सेहत ख़राब हो जाए। ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस गाइस, आपको इन पांच चीज़ों का ही ध्यान रखना है खाने पीने के मामले में। ऐसे जितने भी आप सेफ़ रख सको, अपने आप खुद को उतना सेफ़ रखो, अपनी फैमिली को सेफ़ रखो और दूसरों को भी सेफ़ रखो। इस टाइम जितना आप सतर्क रहोगे उतना अच्छा है, चाहे खाने पीने के मामले में हो, रहन सहन के मामले में हो, कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी। खैर, हमें तो सावधानी बहुत सारी जगह बरतनी चाहिए, लेकिन ये एक सिर्फ खाने पीने का मैंने बताया कि आप इन इन पाँच चीज़ों को सेवन करने से बचो। बस डैट्स इट।
थैंक यू।